सुनो 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 सुनो, अब आ गया है दो टोकन वाला लूडो फैंटेसी, जल्दी खेलो। क्या बात है, अरे फोन निकालो और डाउनलोड करो, अभी नहीं किया तो कब किया। प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। वाह, अपना नया मेड इन इंडिया स्टाइल वाला लूडो फैंटेसी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर से बातचीत शुरू करते हैं। 28 जनवरी की शाम का वक्त था, घिरती शाम के साथ यूपी पुलिस के जवान भी भारी तादाद में जुटने लगे थे, लाठियों हथियारों से लैस जवान। न्यूज़ चैनलों पर खबर चलने लगी कि 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ भी हो सकता है। ये भी खबरें फ्लैश हुईं कि यूपी सरकार ने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को फरमान जारी कर दिया है कि जगह जगह से किसानों का धरना खत्म कराएं। गाजीपुर बॉर्डर पे जो हो रहा था वो सब इसी कवायद का हिस्सा माना गया, लेकिन पश्चिमी यूपी के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे। टिकैत से पुलिस अधिकारियों ने बात की, उनकी गिरफ्तारी की चर्चाएं भी चल रही थी। प्रशासन की कोशिश थी कि किसान अपना धरना खत्म कर लें और टिकैत आत्मसमर्पण कर दें। फिर राकेश टिकैत मंच पर चढ़े, लोगों को लगा कि टिकैत अब धरना खत्म करने और आत्मसमर्पण करने की घोषणा कर देंगे, लेकिन नहीं, टिकैत ने स्टोरी को ट्विस्ट कर दिया पूरी तरह से। कह दिया कि आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर ले, लेकिन पक्की कागजी कार्रवाई के बाद। टिकैत ने कहा कि अगर गिरफ्तारी देनी होगी तो हम शांति से पूरी कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी देंगे, लेकिन लग रहा है कि लौटते आंदोलनकारियों के साथ हिंसा की तैयारी है और ऐसा है कोई प्लान है तो मैं यहीं रहूँगा, मैं पुलिस की गोली का सामना करूँगा। तब लगा कि बात बिगड़ेगी, किसी भी वक्त लाठी चार्ज होने की आशंका जताई जा रही थी, सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन कुछ देर में टीवी पर राकेश टिकैत की तस्वीरें फ्लैश हुई। टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँगा लेकिन आंदोलन को ख़त्म नहीं करूँगा। अब यूपी पुलिस की प्लानिंग गड़बड़ा गई थी, फोर्स को पीछे हटना पड़ा था। अब राकेश टिकैत की कहानी का आखिर क्या है, क्या है कि जिनकी रुलाई के बाद व्यवस्था न बिगड़े, बस इस वजह से यूपी पुलिस ने कदम वापस खींच लिए। इनकी रुलाई के बाद मुजफ्फरनगर के सिसौली में उनके घर पर गांव पे भीड़ जुट गई और अगले दिन महापंचायत बुला ली गई। किसान और समर्थक ट्रैक्टर भर भर कर पहुँच गया गाजीपुर बॉर्डर, और लोग ना जुट जाएं इसके लिए पुलिस को लोहे के तार लगाने पड़े और दिल्ली की सरहद की किलेबंदी करनी पड़ी पुलिस को। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे, वही महेंद्र सिंह टिकैत जो पश्चिमी यूपी की कद्दावर बालियान खाप के मुखिया हुआ करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत जिन्हें चौधरी चरण सिंह के बाद देश का सबसे बड़ा किसान नेता कहा जाता है। कहते हैं कि बड़े टिकैत की एक आवाज़ पर किसान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता हिला देने को तैयार रहते थे। फिर महेंद्र सिंह टिकैत की शादी बलजोरी देवी से हुई थी, चार बेटे थे, बड़े बेटे हुए नरेश टिकैत। 1987 में बने किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू की कमान महेंद्र सिंह टिकैत के हाथों में आई। नरेश टिकैत के छोटे भाई राकेश टिकैत, इनके इर्द गिर्द ये सारी पूरी कहानी घूम रही है। अब उनके बाद नंबर आता है सुरेश टिकैत का, जो मेरठ की एक चीनी मिल में मैनेजर के पद पर काम करते हैं, और सबसे छोटे नरेंद्र टिकैत हैं जो खेती का काम करते हैं। अब राकेश टिकैत का जन्म सिसौली में 4 जून 1969 में हुआ, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की, फिर कानून की पढ़ाई की, एलएलबी किया। शादी हुई 85 में बागपत जनपद के दादरी गांव की रहने वाली सुनीता देवी से। यह साल बड़ा था, इसी साल राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लग गए। शादी से 3 बच्चे हुए, सब इस समय शादी करके अपने अपने घर पर हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में नौकरी पकड़ने के साथ ही राकेश टिकैत के इस नौकरी छोड़ने की पृष्ठभूमि भी तैयार होने लगी थी। वो इधर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे और उधर यूपी में एक बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा था जिसे दिल्ली पहुंचना था। हाँ, कहानी ये है कि अक्टूबर 1988 था, महेंद्र सिंह टिकैत भाकियू समर्थकों और यूपी के 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के बोट क्लब पहुँच गए। एक हफ्ते तक दिल्ली में लाखों किसानों ने डेरा डाले रखा,
किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक मानो कब्जा कर लिया था, ऐसा खबरें बताती हैं। ऐसी हालतों में पुलिस लगाती है धारा 144, उस समय भी पुलिस ने ऐसा किया। इसके जवाब में महेंद्र सिंह टिकैत उनके समर्थक किसानों ने लगा दी धारा 288, यानी पुलिस किसानों के आसपास किसानों की घेरीबंदी में नहीं आ सकती। अब ये किसान बकाए का भुगतान और गन्ने की फसल के बेहतर पेमेंट की मांग कर रहे थे। कृषि मंत्री थे भजन लाल और पीएम थे राजीव गांधी। एक हफ्ते तक चले इस बड़े आंदोलन को महेंद्र सिंह टिकैत ने एक हफ्ते बाद खत्म कर दिया, किसान लौट गए। फिर खबरें बताती हैं कि ठीक अगले साल एनडी तिवारी ने लोकसभा चुनाव के पहले भाकियू के साथ समझौता करते हुए उनकी सारी मांगों को, लगभग सारी मांगों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने उस एक हफ्ते के दिल्ली सीज के दौरान बहुत सारी कूटनीति अपना ली थी। पुलिस को पता था कि उनके यहाँ काम करने वाले कांस्टेबल राकेश टिकैत के पिता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। खबरें बताती हैं कि राकेश टिकैत को बुलावा भेजा गया, कहा गया कि राकेश टिकैत अपने पापा से बात करें आंदोलन खत्म करने के लिए। राकेश टिकैत पर बहुत गहरा दबाव बना। राकेश टिकैत प्रदर्शन स्थल पर गए भी, लेकिन आंदोलन रोकने नहीं गए थे, उसमें शामिल होने गए थे। हाँ, उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। अब इसके बाद से ही राकेश टिकैत किसान राजनीति का हिस्सा हो गए। उन्हें महेंद्र सिंह की राजनीति का वारिस माना गया। बाद के भी कई मौक़ों पर राकेश अपने पिता की तरह मोर्चा लेते देखे गए। अब लेकिन कमान तो बड़े भाई के हाथ में जानी थी। महेंद्र सिंह टिकैत को कैंसर हुआ, 2011 में मौत हुई। बालियान खाप की बड़े बेटे को ही उत्तराधिकार मिलेगा वाली परिपाटी का पालन हुआ। भाकियू अध्यक्ष की पगड़ी रखी गई नरेश टिकैत के सिर पे। राकेश टिकैत बने राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी हाँ, वो प्रवक्ता हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज़्यादा असली नेतागिरी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की। हाँ, खबरें बताती हैं कि नरेश भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन सभी अहम फैसले राकेश टिकैत के हाथ में ही हैं। दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन का जो स्वरूप है, कहा जाता है कि वो नरेश टिकैत नहीं बल्कि राकेश टिकैत की ही देन है। लेकिन छोटे टिकैत यानी राकेश ने इस तैयारी तक पहुंचने के लिए जेल की हवा बहुत काटी है। आज तक से बातचीत में भाकियू के महासचिव धर्मेंद्र मलिक बताते हैं किसानों की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत कुल 44 बार जेल जा चुके हैं, और बस यूपी नहीं, हिंदी बेल्ट के सभी बड़े राज्यों में टिकैत जेल जा चुके हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में भी दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अब राकेश टिकैत राजनीति में भी उतर चुके हैं। साल 2007 यूपी के विधानसभा चुनाव थे, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा। राकेश टिकैत ने निर्दलीय पर्चा भरा, चुनाव लड़ा, बस हारे ही नहीं, जमानत भी जब्त हो गई। क्या मजाल कि ग्राम प्रधान या ब्लॉक का चुनाव लौट कर लड़ा हो। वेट किया 2014 का, लोकसभा चुनाव आया, सीधे लोकसभा चुनाव का पर्चा भर दिया अमरोहा लोकसभा सीट से। इस बार निर्दलीय ही नहीं लड़ा, साथ मिला RLD का, राष्ट्रीय लोक दल। 9,500 वोट आए, जमानत फिर से जब्त। अब राकेश टिकैत इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद BJP को वोट दिया था, और BJP के भी किस प्रत्याशी को, संजीव बालियान को, जो खुद उनकी ही पार्टी के नेता चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ खड़े थे इस चुनाव में। वही अजीत सिंह जो अपने बेटे जयंत चौधरी के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी के किसानों को इन दिनों जोड़े रखने में लगे हुए हैं। अब संजीव बालियान 2019 में लोकसभा चुनाव जीत गए, उनकी यानी BJP की सरकार ने कृषि बिल बनाया। 2020 में तमाम हंगामे के बीच 3 कृषि बिल पास हो गए। उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी में रहकर भी उन्हें वोट देने वाले राकेश टिकैत अभी दिल्ली गाज़ियाबाद के गाज़ीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत का नाम 2013 के मुजफ्फरनगर के जाट बना मुस्लिम दंगों में भी आ चुका है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दंगों के ठीक पहले आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया था नरेश टिकैत के साथ। इसी महापंचायत में मुस्लिमों को सबक सिखाने की बात कहने के आरोप लगे थे। BJP के नेता और अब विधायक बने संगीत सोम, प्रवेश राणा और कपिल देव भी इसी रैली में शामिल हुए थे। अब द हिंदू की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो पीड़ितों ने आरोप लगाए थे कि इस महापंचायत में राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे। अब लेकिन राकेश टिकैत इससे अक्सर इनकार करते आए हैं। मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि वो महापंचायत में शामिल तो हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। बाद में ये भी खबर आई कि राकेश टिकैत समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात भी करने गए थे, ऐसी खबरें बताती हैं।
दंगों के दौरान कई जाटों पर मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के केस दर्ज हुए थे। ये केस हटवाने की मांग को लेकर राकेश टिकैत मिलने गए थे, ऐसा कहा जाता है। बाद में कई मौक़ों पर राकेश टिकैत दोनों समुदायों में शांति और प्रेम का संदेश लेकर पहुंचे थे और इसी बिना पर अगले साल का चुनाव भी लड़ने की कोशिश की थी 14 वाला लोकसभा अमरोहा से, जिसका परिणाम हम आपको बता चुके हैं। अब जो है सो है सामने। राकेश टिकैत दिल्ली के मोर्चे पे हैं, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस अपने मोर्चे पे, बीच में है 3 कृषि कानून, कुछ कीले हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कहानियाँ हैं, सब इसी और अपने वर्तमान में। तो ये थी राकेश टिकैत की प्रोफाइल। कई फलकों से गुजरता है किस्सा, दिल्ली पुलिस, किसान आंदोलन, महेंद्र टिकैत, नरेश टिकैत, दंगे, पॉलिटिक्स, सब कुछ है इसमें। अपनी राय दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में है विभव हमारे कैमरा पर्सन। आप ललन टॉप देख रहे थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।